नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं हैं, नीतीश कुमार जी भाजपा मुक्त देश के निर्माण के लिए आगे बढ़े हैं और विपक्षी एकता को एक करने में लगे। आप लोग इस तरह का नारा लगाते हैं, इससे विपक्षी एकता को में रुकावट पैदा होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। जेडीयू प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। ये प्रेस वार्ता जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के नेतृत्व में किया गया। इसी बीच आपको बताते चले कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने विपक्षी एकता को लेकर अपनी प्रतिक्रिया रखी है और साफ तौर पर कहा है कि 23 जून को पटना में विपक्षी एकता की बैठक होने वाली है, 18 दल के नेता इसमें शामिल होंगे। इसी के साथ साथ आपको बताते चले कि जेडीयू के कार्यकर्ताओं से ये अपील करते हुए नजर आए हैं कि प्रधानमंत्री के नारे नहीं लगाए, नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं है पे जोर लगाते हुए जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने साफ तौर पर कह दिया कि जिस तरीके से उनके चाहने वाले ये नारे लगाते हैं उससे विपक्षी एकता में काफी मुश्किलें आती हैं। और इसी बीच उन्होंने यह भी अपील किया है कि अभी विपक्ष को एकजुट कर रहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जब बीजेपी को हटा दिया जाएगा उसके बाद ये तय किया जाएगा कि देश का नेतृत्व कौन करेगा। इसी के साथ साथ बीजेपी पर भी हमलावर रहे हैं ललन सिंह और साफ तौर पर कह दिया है कि विपक्षी एकजुटता से बीजेपी में घबराहट है। आगे और क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, छोड़े जाते हैं आपको उनके बातों के साथ। नीतीश कुमार जी जैसा, नीतीश कुमार जी देश के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं है, नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं है, नीतीश कुमार जी भाजपा मुक्त देश के निर्माण के लिए आगे बढ़े हैं और विपक्षी एकता को एक करने में लगे। आप लोग इस तरह का नारा लगाते हैं, इससे विपक्षी एकता को में रुकावट पैदा होता है। ऐसा कभी मत करिएगा। हम पार्टी के कार्यकर्ताओं से आग्रह करेंगे, पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं से आग्रह करेंगे, जब चुनाव हो जाएगा यह देश भाजपा मुक्त हो जाएगा, जिस तरह पटना में सभी पार्टी बैठकर आगे की रणनीति तय करेंगे, उसी तरह चुनाव के बाद सभी पार्टी बैठकर तय करेंगे कि इस देश का मुखिया कौन होगा और जो भी होगा इस देश में लोकतंत्र को स्थापित करेगा, पुनः उसको स्थापित करेगा। यही संकल्प है हम समूह के नेता का और इसी आग्रह और विश्वास के साथ पुनः विमल कारक जी और उनके सभी साथियों का इस जनता दल यू परिवार में स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए हम अपनी बात समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। 56 रुपए हुआ था तो लोकसभा में डिबेट हुआ था और श्रीमती सुषमा स्वराज जी ने, स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी ने 45 मिनट तक भाषण दिया था देश की अर्थव्यवस्था पर और सरकार की गलत नीतियों पर। आदरणीय प्रधानमंत्री जी गुजरात के मुख्यमंत्री हैं, खोज लीजिएगा गूगल में। हम मीडिया के साथियों को भी कहेंगे खोज लीजिएगा गूगल में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह रहे भाई भूटान का नहीं गिर रहा है, पाकिस्तान का नहीं गिर रहा है, चीन का नहीं गिर रहा है, जापान का नहीं गिर रहा है, हिंदुस्तान का कैसे 56 रुपये हो गया, हिंदुस्तान का रुपया कैसे गिर रहा है, ये सब भाषण उन्होंने दिया। आज 82-83 रुपया हो गया तो वो एक चू सब नहीं बोल रहे हैं। ये है इस देश की सरकार। तो महंगाई पर नहीं बोलेंगे, बेरोजगारी पर नहीं बोलेंगे, रोजगार देने का वादा किया, एगो रोजगार नहीं दिया, सारा रोजगार बंद हो गया, निजीकरण की ओर जा रहे हैं, निजीकरण के लिए भी किसको दे रहे हैं ये तो आप ही जानिए, आपकी आत्मा जाने किसको दे रहे हैं, तो निजीकरण की तरफ जा, तो उस पर कुछ नहीं बोलेंगे, देश की समस्याओं पर नहीं बोलेंगे, अपने काम पर नहीं बोलेंगे। धर्म के नाम पर समाज में उन्माद पैदा किया जाए, धर्म के नाम पर समाज को बांटा जाए, धार्मिक भावना भड़काया जाए और उससे वोट लिया जाए, यह उनकी नियत है और इस नियत पर वो काम करते हैं। लेकिन जनता सब देखते रहती है, जनता सब देखती है और समय पर जवाब दे देती है। कर्नाटक में भी दे दिया उसने, आने वाले चुनाव में मध्य प्रदेश में भी मिलेगा उनको जवाब, चिंता मत कीजिए। आप लोग भी रहिएगा, हम भी हैं और ये मीडिया के लोग भी हैं, मध्य प्रदेश का चुनाव जब होगा तो पता चल जाएगा कहाँ है।
जनता कहाँ है इनके साथ, तो इसलिए ये नहीं काम नहीं कर सकते। तो आप जरूरत है इस बात की कि इसको मुक्त, भाजपा मुक्त देश को बनाने के लिए नीतीश कुमार जी ने संकल्प लिया 9 अगस्त 2021 को उन्होंने महागठबंधन में शामिल होने का फैसला किया और तब से विपक्षी एकता की तरफ लगे हुए हैं। और 23 जून को बिहार में पटना में सारे विपक्षी दल के लोग आ रहे हैं, 18 पार्टी के लोग आ रहे हैं, इस देश के 18 पार्टी के लोग पटना 23 तारीख को आ रहे हैं। और दो पार्टी जिनको जिन्होंने पहले सहमति जिनसे बात नहीं हुई थी, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो जम्मू एंड कश्मीर के हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के, और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की जो जम्मू कश्मीर की महबूबा मुफ्ती सईद हैं, इन दोनों ने भी सहमति दिया है, वह भी आएंगे 23 तारीख को विपक्षी पार्टियों की बैठक में शामिल होने। तो 18 पार्टी 23 तारीख को पटना में बैठकर आगे की रणनीति पर, 2024 की रणनीति पर विचार करेगा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी विपक्ष को एक करने में लगे हुए हैं और हम समझते हैं कि हम सबों का भावना, हम सबों का नैतिक समर्थन उनको है, इसलिए पूर्ण सफलता उनको मिले। लेकिन एक बात हम बोल रहे हैं, अभी कौन खड़ा था जी, ये खड़ा हुई जरा।